नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन प्रॉपर्टीज में। साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अगर सब्सक्राइब किया है आपने तो बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप तक टाइम पर पहुँचे। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि एक रेप्यूटेड डेवलपर का है, जिनकी लीगेसी 55S के आसपास की लीगेसी है कंस्ट्रक्शन टाइमलाइन में, और इनका ये प्रोजेक्ट लगभग 16.5 एकर्स की लैंड पार्सल पे पहला है। और हाँ, शायद ये वीडियो देखते टाइम आप समझ चुके होंगे कि आज मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पीछे है ये रो हाउस, वो भी रेडी पोजिशन में। इसी के साथ साथ ये प्रोजेक्ट टोटल 16.5 एकर्स की लैंड पार्सल पर पहला हुआ है, जो कि मुंबई बेंगलोर हाईवे से कनेक्टेड है। इसका लोकेशन एंड सारी जानकारी के लिए बस आपको कॉल तो करना पड़ेगा। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर येने प्लॉट्स हैं, आपको यहाँ पर येने प्लॉट भी मिलने वाले हैं जो कि रेडी पोजेशन है। आप बुकिंग करने के बाद तुरंत आपका कंस्ट्रक्शन यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। थ्री साइडेड मैं बोल रहा हूँ, थ्री साइडेड ये वैली से कनेक्टेड प्रोजेक्ट है। बारिश के दिनों में आपको यहाँ पे जो सुकून, जो ठंडी हवा और जो यहाँ पे आपको व्यू मिलने वाला है, वो शायद ही आपको पुणे के किसी प्रोजेक्ट में मिलेगा। तो इसका जो एंट्रांस आप देख सकते हैं, लगभग 2400 स्क्वायर फीट के प्लॉट एरिया में ये रो हाउस कंस्ट्रक्टेड है, और इसका कारपेट एरिया अगर बात करते हैं तो 2622 स्क्वायर फीट 2622 स्क्वायर फीट के कारपेट एरिया में ये रो हाउस आपका कंस्ट्रक्टेड है, जिसमें आपको एम्पलॉप पार्किंग स्पेस मिलता है। 3 कार आपकी इजीली पार्क हो सकती है, इतना पार्किंग स्पेस आपको यहाँ पर मिल रहा है। ये बड़ा गेट मिल रहा है और ये रेडी पोजिशन रो हाउस है। यहाँ पर आपको डुप्लेक्स, टाउन हाउस, लग्जरी फ्लैट आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बिल्डिंग्स यहाँ पर नियरिंग पोजिशन। हार्डली 3 महीने में इसका पोजिशन स्टार्ट होने वाला है। बड़े कारपेट के 2 और 3 BHK के फ्लैट भी यहाँ पर अवेलेबल है। और जैसे ही हम अंदर आएंगे, पहले आप ये व्यू देख लीजिए, ऊपर का G+1 का कंस्ट्रक्शन है। सामने आपका ये एम्पलॉप पार्किंग स्पेस है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर आपका एक इजीली कार पार्क होगा। उसके साइड में छोटा सा गार्डन एरिया है, यहाँ पर आपका एक कार और यहाँ पर आपकी एक कार आएगी, तो 3 कार आपकी इजिली पार्क हो सकती है। और बाहर का जो रोड है वो रोड पर भी आपकी एक कार हो सकती है। हाँ, वो तो एक्चुअली रिजर्व नहीं रहेगा, लेकिन कर सकते हैं। तो जैसे ही अंदर आएंगे, सबसे पहले आता है आपका एंट्रांस डोर, एक अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छे फिनिशिंग टच के साथ आपको ये मिल रहा है। यहाँ से आपका यूटिलिटी एरिया की तरफ एक रास्ता है, थोड़ा सा डाउन की साइड में, एक्चुअली हिल के बीचों बीच ये प्रोजेक्ट होने की वजह से थोड़े से एलिवेटेड पार्ट से है यहाँ पे। जैसे कि आपने प्लॉट भी देखे होंगे, थोड़े से एलिवेटेड पोर्शन पे प्लॉट है, कुछ प्लॉट आपके टेबल पे, कुछ एलिवेटेड पोर्शन पे है। जैसे ही अंदर आएंगे आपको यहाँ पे मिलेगा एक लग्जरी और बड़े साइज का लॉबी एरिया, एंट्रांस लॉबी कह सकते हैं आप इसको, या फिर आपका आपके हिसाब से। और लेफ्ट हैंड साइड पे आता है आपका ये स्टेयरकेस, जो आपको लेके जाएगा आपके ऊपर के फ्लोर पे सीधा। फिर आता है आपका लिविंग एंड डाइनिंग का एरिया, थोड़ा सा आपको स्टेयर से नीचे उतरना पड़ेगा, ये आपको फील थोड़ा सा अलग देगा। टेबल लैंड पार्सल पे जो रो हाउसेस होते हैं उससे थोड़ा सा अलग टाइप का ये रो हाउस है। यहाँ पर आपको मिल रहा है आपका स्पेशियस साइज का लिविंग एरिया, और जिसको आपको अटैच यहाँ पर जो बालकनी मिल रही है, गार्डन एरिया बोल सकते हैं, ये आपका बिल्कुल व्यू, आप इस व्यू का पूरा आनंद ले सकते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे विंडो दी गई है और सिटिंग अरेंजमेंट भी विंडो के पास है आपका, तो यहाँ बैठ के आप इसका पूरा आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर आपका सोफा का अरेंजमेंट आएगा, यहाँ पर आपको टीवी यूनिट के लिए जगह दी गई है, यहाँ पर आपका टीवी यूनिट का सेटअप आएगा। अगर आपको इसके लोकेशन एंड प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि मैंने आज तक ऑब्जर्व किया है बहुत सारे लोग मेरा वीडियो लास्ट तक नहीं देखते, क्योंकि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन फर्स्ट 1 या 2 मिनट में दे देता हूं, तो आज मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं देने वाला हूं तुरंत। यहां पर आपको डाइनिंग स्पेस या फिर आपके लिविंग का एडिशनल स्पेस बोल सकते हैं, जो कि आपके बालकनी से कनेक्टेड है, वो आपको डबल हाइटेड मिल रहा है। यहाँ पर आपको एग्जैक्ट 19 से 20 फीट का हाइट आपको डबल मिल रहा है, जो कि ओवरलुकिंग रहेगा आपके ऊपर के फैमिली रूम से, जो कि आपका कनेक्ट करेगा ऊपर से आपको ये दिखाई देगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आता है आपका स्टोरेज स्पेस, जो कि आपके स्टेयरकेस के नीचे आपको मिलता है यहाँ पे एक स्टोरेज एरिया। उसके राइट हैंड साइड पे आता है आपका किचन, जो कि सिंगल प्लेटफॉर्म के साथ है आपका किचन, जहाँ पर किचन कैबिनेट ऑलरेडी बना बनाया आपको मिल रहा है। और यहाँ पर आता है आपका यूटिलिटी एरिया, जैसे कि मैंने आपको बाहर से दिखाया था कि ये आपका यूटिलिटी एरिया बाहर से कनेक्टेड है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये आपका यूटिलिटी एरिया, बड़े साइज का यूटिलिटी एरिया है। यहाँ पर भी आपको साइड से थोड़ा सा गार्डन के लिए स्पेस दिया हुआ है। यहाँ पर आता है आपका सर्वेंट रूम, जो कि एक्चुअली अभी लॉक है तो मैं आपको वो नहीं दिखा पाऊंगा। जैसे ही आगे बढ़ेंगे, यहां पर आता है आपका अटैच वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम, जो कि आपके लिविंग से कनेक्टेड है। उसके बाद आता है आपका ये फर्स्ट बेडरूम, जिसके साथ आपको कॉमन वॉशरूम मिलने वाला है,
सॉरी अटैच वॉशरूम मिलने वाला है, और इसका भी बालकनी, इसका भी विंडो आपका सेम जैसे आपके लिविंग का विंडो था सेम ही है, क्योंकि इसके पीछे आपको मिल रहा है गार्डन जो आपका गार्डन से कनेक्टेड है। अभी लेके चलता हूँ मैं आपको इसके बैकयार्ड गार्डन में, जो कि आपको बड़े साइज का गार्डन मिल रहा है और जहाँ से आपको यहाँ के एमिनिटीज का व्यू मिलेगा, यहाँ का जो प्रोजेक्ट है एक्चुअली उसका व्यू आपको यहाँ की बालकनी से एंड गार्डन से ही मिलने वाला है। तो ये देख सकते हैं आप इसका बैकयार्ड गार्डन, जहाँ से आपको हिल का व्यू भी दिखाई देगा। यहाँ पर जो सामने आपको दिख रही है सेंट्रल एमिनिटीज है, 16.5 एकर्स का जो एक्चुअल प्रोजेक्ट है उसकी सारी एमिनिटीज आपकी यहाँ पे सेंट्रल पे दी गई है। यहाँ पे आपका चिल्ड्रंस प्ले एरिया है, पार्टी लॉन, गार्डन, क्लब हाउस का काम चल रहा है, करीब 3 या 4 महीने में क्लब हाउस भी बन के रेडी हो जाएगा। ये आपका टोटल गार्डन एरिया है जो आपके कनेक्टेड है बैकयार्ड से। अब चलते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर पे। जैसे ही ऊपर आते हैं, जैसे मैंने आपको नीचे से बोला था कि आपका जो एडिशनल लिविंग का एरिया होने वाला है जो आपका ओवरलुकिंग रहेगा ऊपर से, तो यहां से आप वो व्यू भी देख सकते हैं। भाई व्यू दिखाओ। फिर आता है राइट हैंड साइड पे आपका अटैच बेडरूम, स्पेशियस साइजेस है, जिसके साथ अटैच आपको यहाँ पे वॉशरूम भी मिल रहा है। स्पेशियस साइज का आपका ये बेडरूम है, जिसके साथ अटैच स्टैंडिंग बालकनी मिल रही है आपको। समझ सकता हूँ बालकनी ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपको व्यू का आनंद मिल सकता है। यहाँ एक चेयर लगा के आप अगर कॉफी पीते भी बैठेंगे तो आपको बारिश के दिनों में बहुत अच्छा यहाँ पे व्यू मिलने वाला है। फिर आता है इसके साथ का सबसे बड़ा टेरेस बालकनी, ओपन टेरेस या पेंटहाउस को जिस तरह से टेरेस होता है उस तरह का टेरेस बोल सकते हैं, आपका कॉफी एरिया, आपका फैमिली एरिया। और यहाँ के आपको हर एक बालकनी से आपको एक हिल का अच्छा व्यू मिलने वाला है। शायद आप अभी जो व्यू वीडियो में देख रहे हैं ये प्रोजेक्ट का, ये टाउन हाउसेस हैं, ये भी आप व्यू देख सकते हैं, और इधर हिल का व्यू है। अभी हम एक्चुअली आए हैं इन दिनों में, इसलिए आपको यहाँ पे हरियाली ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आप बारिश के दिनों में या दिवाली के आसपास के सीजन में आते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ से दिखेगा, बहुत ही अच्छा व्यू आपको यहाँ से दिखने वाला है। इतने बड़े टेरेस के बाद फिर आता है आपका नेक्स्ट बेडरूम। आपने गौर किया होगा ये 3 BHK का रो हाउस है, लेकिन आपको वॉशरूम 4 मिल रहे हैं। तीनों बेडरूम के साथ आपको अटैच वॉशरूम है, एक आपका कॉमन वॉशरूम है। सेम नीचे का जो बेडरूम आपका था सेम उसी साइज का आपको ऊपर भी एक बेडरूम मिल रहा है अटैच वॉशरूम के साथ, ये आप देख सकते हैं। बस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो यार। और ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताइए। अभी तक लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है, आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या डायरेक्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करने का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ से आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पर मैसेज भी कर सकते हैं। थैंक यू।